हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एग्ज़ाम गुरु एकेडमी यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। 13 सितंबर के जो करंट अफेयर्स हैं उन पे आज हम डिस्कशन करेंगे। जो जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं उन सभी क्वेश्चंस को मैं लेकर आया हूँ, जितनी भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी। और सेशन जो है 2 दिन से जो है आप लोगों का लेट हो रहा है, क्योंकि कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ जा रही हैं, वाईफाई जो है सही से नहीं वर्क कर पा रहा है, तो इसलिए जो है उसकी कुछ प्रॉब्लम आ रही हैं, तो जिस वजह से आपका जो है सेशन डिले हो जा रहा है, तो उसके लिए मैं आप लोगों से माफ़ी चाहूँगा। तो दोस्तों, आप सभी लोग जो है चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। PDF फाइल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दी जाएगी, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और अंत में मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगा जिसके बारे में आपको जो है आंसर करना होगा कमेंट बॉक्स में, और उससे जितनी भी रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है, जितना भी आप कुछ उसके बारे में जानते हैं, आपको कमेंट बॉक्स में करना है। क्योंकि कमेंट बॉक्स में जब भी आप कुछ भी लिखेंगे, यानी कि आप जब कुछ लिख देते हैं, तो वो आपका जो है और भी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है। तो इस पर्पज़ से मैं चाहता हूँ कि आप लोग और भी आपका जो है करंट जो है स्ट्रांग हो, और जो भी आपकी इन्फॉर्मेशन है वो स्ट्रांग हो, इसलिए मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ ताकि आप लोग जो है अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो आज का पहला क्वेश्चन है, नेपाल इंफ्रास्ट्रक्चर शिखर सम्मेलन 2019 का आयोजन किस शहर में किया गया। 4 ऑप्शन दिए हैं, इन 4 में से जो इसका सही आंसर होगा मैं आपको यहां से बताऊंगा, और उस क्वेश्चन का इस क्वेश्चन का आंसर आपको यहां से पता चलेगा। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर जो आपकी स्क्रीन पर है। तो फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन है पहला, ये आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो है वो है आपका ऑप्शन फर्स्ट काठमांडू में जो है ये आयोजित किया गया। तो राइट आंसर यहाँ पे जो है दोस्तों आपका ऑप्शन फर्स्ट होगा, काठमांडू। और ये काठमांडू जो है नेपाल की राजधानी है, और नेपाल की जब बात हो रही है तो वहाँ की अगर बात कर लें तो प्रधानमंत्री केपी ओली और काठमांडू जो है राजधानी है, और करेंसी की बात करें तो रुपया जो है करेंसी है नेपाल की। और वहीं पर प्रेसिडेंट की बात करें तो श्रीमती देवी भंडारी जी जो है वर्तमान में वहाँ की प्रेसिडेंट हैं, यानी कि राष्ट्रपति हैं। और जो ये सम्मेलन हुआ, इस सम्मेलन की इस बार जो विषय था, इसका जो थीम था वो था रजिस्टर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो आपको जो है इनकी जो थीम है, जो विषय था, उसको याद रखना होगा। और साथ में अगर भारत की तरफ से बात करें कि किसने प्रतिनिधित्व किया, तो भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व करने वाले थे विद्युत नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार राजकुमार सिंह ने जो है भारत की तरफ का जो है प्रतिनिधित्व किया था। अगला क्वेश्चन है आपका, स्किल इंडिया के IAS कैडर के लिए IES अधिकारियों का कौन सा बैच शुरू हुआ। तो यहाँ पे जो है स्किल इंडिया के लिए आपको बताना है ISES के कैडर के लिए जो है IES अधिकारियों के लिए जो है कौन सा जो है ये कैडर जो था, ये किस नंबर का कैडर जो है प्रारंभ हुआ है। तो आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन 2, ये जो है फर्स्ट, यानी कि पहला बैच शुरू हुआ है, जिसमें क्या होगा कि भारतीय कौशल विकास सेवा जो ISDS होता है, मैसूर कर्नाटक में जो है इसका आयोजन हुआ, वहीं पर जो है कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय में के जो राज्य मंत्री थे राजकुमार सिंह प्रेजेंट में जो, तो उनके द्वारा जो है यहाँ पर जो है इसका जो है अध्यक्षता की गई। तो आंसर यहाँ पे जो है आपका ऑप्शन 2 होगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने व्यापारियों के लिए 2 बीमा योजनाएं शुरू की हैं। उस तो यहाँ पे जो है हरियाणा राज्य ने जो है 2 बीमा योजनाएं व्यापारियों के लिए शुरू की हैं, जिसमें की है मुख्यमंत्री व्यापार सामूहिक निजी दुर्घटना बीमा योजना, और दूसरी जो है वो है मुख्यमंत्री व्यापारी क्षेत्र में बीमा योजना। तो यहाँ पर जो है 2 बीमा योजनाएं जो है व्यापारियों के लिए शुरू की गई हैं। हरियाणा की बात करें तो हरियाणा के जो वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर जी हैं, और गवर्नर की बात करें तो सत्यदेव नारायण आर्य जो है वर्तमान में गवर्नर हैं। और वहीं पर अगर हरियाणा की कैपिटल की बात करी जाए तो हरियाणा की कैपिटल चंडीगढ़ है। तो आंसर यहाँ पर जो है ऑप्शन 2 होगा। अगला क्वेश्चन है, IDBI किस संस्था के साथ सह ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च करेगा। तो ये IDBI जो बैंक है, IDBI कौन सी संस्था के साथ में, जो 4 ऑप्शन दिए हैं, इन 4 में से वो कौन सी संस्था है जिसके साथ में वो सह ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च करेगा। तो आंसर होगा यहाँ पे आपका ऑप्शन 3 होगा, LIC जो है, यहाँ पर LIC और IDBI दोनों एक साथ जो है सह ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड को लॉन्च करेंगी। वहीं पर अगर बात करें, अब जब IDBI और LIC की बात हो रही, तो इसके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको भी हमें लर्न कर लेना चाहिए। तो MD एंड CEO की बात करें अगर IDBI के, तो उनका नाम है राकेश शर्मा, और LIC के अध्यक्ष की बात करें तो
ए एम कुमार हैं, और जो LIC का हेड ऑफिस है वो मुंबई में है। तो ये जो है इससे इम्पोर्टेंट फैक्ट है। अगला क्वेश्चन है, ADB ने भारत के साथ कितने मिलियन डॉलर के ऋण समझौता पर हस्ताक्षर किए। ADB यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक ने जो है भारत के साथ कितने ऋण पर जो है समझौता किया है। तो यहाँ पे आंसर है आपका ऑप्शन थर्ड, $200 मिलियन के ऋण पर जो है समझौता किया गया है। ये जो 200 मिलियन ऋण का समझौता हुआ है, इसमें जो है महाराष्ट्र के जो है 34 जिलों में जो है ग्रामीण रोड जो हैं, ग्रामीण जो सड़कें हैं उनका जो है इस उन पर जो है ये पैसा खर्च किया जाएगा। अब महाराष्ट्र की जब बात आई है तो महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं देवेंद्र फडणवीस, और गवर्नर की बात करें तो भगत सिंह कोश्यारी जो है प्रेजेंट में जो है गवर्नर हैं महाराष्ट्र के। और तो यहाँ पे जो आंसर है आपका ऑप्शन क्या हुआ, थर्ड, $200 मिलियन। अगला क्वेश्चन है, प्रधान सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो प्रधान सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, प्रमोद कुमार मिश्रा, पीके सिन्हा, नवदीप सूरी या फिर जी सतीश रेड्डी। तो आंसर यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट होगा आपका, प्रदीप कुमार को इनको नियुक्त किया गया है प्रधान सचिव के रूप में, जिन्हें पीके मिश्रा भी इनको जो है इन अधिकतर जा आपको लिखा हुआ मिल सकता है पीके मिश्रा, लेकिन इनका पूरा नाम है प्रमोद कुमार मिश्रा। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री के प्रधान सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। तो यहाँ पर जो है आंसर होगा आपका ऑप्शन सेकेंड, ये है पीके सिन्हा को जो है नियुक्त किया गया है। तो आंसर यहाँ पे जो है ऑप्शन सेकंड होगा करेक्ट आंसर, इन्हें जो है प्रधानमंत्री के प्रधान सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, DRDO ने स्वदेशी एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल MPA-TGM का सफलतापूर्वक परीक्षण किस राज्य में किया। तो इसका जो है परीक्षण जो किया गया है वो कौन से राज्य में किया गया है, तो आंसर होगा ऑप्शन यहाँ पर सेकेंड, आंध्र प्रदेश के जो है कुरनूल में किया गया है। कुरनूल आंध्र प्रदेश के कुरनूल में इसका जो है परीक्षण किया गया है। वहीं पर अगर DRDO की बात करें तो DRDO के अध्यक्ष की बात करें तो जी सतीश रेड्डी जो है वर्तमान में वहां के अध्यक्ष हैं, और इसकी जो स्थापना हुई वो 1958 में यानी 1988 में हुई थी, और इसका जो मुख्यालय है DRDO का जो मुख्यालय है वो न्यू दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय वायुसेना ने किस लड़ाकू विमान के लिए 17 स्क्वाड्रन गोल्डन एरो को पुनः से शुरू किया है। तो वो किस लड़ाकू विमान के लिए जो है यहाँ पर 17 स्क्वाड्रन गोल्डन एरो को जो है फिर से जो है शामिल किया गया है, तो आंसर होगा यहाँ पे आपका ऑप्शन सेकंड, राफेल के लिए। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे जो है आपका ऑप्शन सेकंड, इंडियन एयरफोर्स ने जो है राफेल के लिए जो है 17 स्क्वाड्रन गोल्डन एरो को फिर से जो है शामिल कर लिया है, शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन है, INS खंडेरी को भारतीय नौसेना में कमीशन किया जाएगा, वर्तमान में नौसेना प्रमुख कौन है। तो यहाँ पे जो है आंसर क्वेश्चन जो है वो है कि INS खंडेरी जो था उसको भारतीय नौसेना में क्या किया, कमीशन किया जाएगा, और तो आपसे पूछा जा रहा है कि वर्तमान में नौसेना प्रमुख कौन है। तो आंसर होगा यहाँ पे आपका ऑप्शन फोर्थ होगा, करमबीर सिंह जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। वहीं पर अगर बिपिन रावत की बात करें तो ये जो है थल सेना है, जो थल सेना होती है उसके जो ये चीफ हैं, और आपके जो अनिल धस्माना और आपके हैं यहाँ पर देशवाल। तो अनिल धस्माना जो है आपके रॉ के हैं और AS देशवाल जो हैं वो ITBP। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसको फर्स्ट क्लास ऑर्डर ऑफ जायद द्वितीय पुरस्कार के साथ सम्मानित किया गया है। तो हाल ही में जो है किसको जो है इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन का जो है आंसर यहाँ पर क्या होगा। तो यहाँ पे जो फर्स्ट क्लास ऑर्डर जो ऑफ जायद सेकंड जो पुरस्कार था ये जो है नवदीप सूरी को दिया गया है। तो आंसर यहाँ पे क्या होगा आपका ऑप्शन थर्ड होगा, नवदीप सिंह सूरी को जो है ये दिया गया है, और ये जो है संयुक्त अरब अमीरात में जो है भारत के दूत के रूप में नियुक्त हैं। तो आंसर यहां पे जो है आपका ऑप्शन सेकंड होगा, नवदीप सिंह सूरी को इससे जो है सम्मानित किया गया है। तो अगला क्वेश्चन है, जिलों में आपराधिक गतिविधियों और कट्टरता पर राष्ट्रीय सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया है। तो जेलों में
जेलों में जो आपराधिक गतिविधियों और कट्टरता पर जो राष्ट्रीय सम्मेलन जो है किस शहर में आयोजित किया गया है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे जो है आपका होगा ऑप्शन फर्स्ट जो है करेक्ट आंसर है, यहाँ पे नई दिल्ली में जो है ये शुरू किया गया है। और ये जो किसके थ्रू करवाया गया वो है, उस नाम है ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इसने जो है इस सम्मेलन का आयोजन किया है। और उसमें जो है जो आपराधिक गतिविधियां हैं जेलों के अंदर उसको जो है कम करने के लिए, उस पर जो है अंकुश लगाने के लिए, उस पर और भी डीपली एनालिसिस करने के लिए कि इन सब चीज़ों को कैसे रोका जाए, उस पर जो है इनमें बात की जाएगी। तो यहाँ पर आपको पता चल गया ये कहाँ पर आयोजित हुआ है, नई दिल्ली में हुआ है, किसने करवाया, ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट के थ्रू। अगला क्वेश्चन है, तो आज का ये जो है आज के लिए मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगा जिसका आंसर आपको जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना होगा। तो आज का जो प्रश्न है वो है एशिया में सादे सिगरेट पैकेजिंग का अनावरण करने वाला पहला एशियाई देश कौन सा है। चार ऑप्शन है, इन चार में से जो देश है उसके बारे में आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी देनी है कि वो जो देश है उसकी कैपिटल क्या है, उसकी करेंसी क्या है, वहाँ के प्रेसिडेंट कौन है, प्राइम मिनिस्टर कौन है। तो ये जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जिनसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो चीज़ें आपको कॉमेंट बॉक्स में लिखनी होंगी, क्योंकि अगर आप लिखते हैं तो आपको और भी अच्छे से याद हो जाता है। तो दोस्तों आज का ये क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन के बारे में आपको ज़्यादा से ज़्यादा लिखना है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, आज के जो है लगभग 12 न्यूज़ थी जिन पर मैंने क्वेश्चन लेकर आया जो सभी की सभी बहुत ही महत्वपूर्ण थी आपके करंट के पर्पज से। तो अब मैं जो है अगले वीडियो में आपको मिलूंगा कल सुबह 6 बजे। तो तब तक के लिए दोस्तों गुड बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।